गाइस, आई एम किशोर चौधरी. करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक, दैट इज DNS बैंक फ्रॉम महाराष्ट्र. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई एम क्लियर माई JIB एंड CIB एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड आई एम थैंक्स फॉर द अशोक सर, स्पेशली फॉर द CIB एग्जाम बिकॉज ऑफ चैनल ऑफ CIB विद अशोक. क्योंकि JIB पास होने के बाद मैंने ABM BFM दोनों मॉडल पढ़ने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उसमें जो क्लियरिटी नहीं आती थी, कि जो मुझे क्लियरिटी आई CIB विद अशोक चैनल सर के साथ और उनके पढ़ाने की स्टाइल के कारण, क्योंकि वो एक ही कॉन्सेप्ट दो बार एक ही अपने वीडियो में रिवाइज करते थे का, और उसके कारण हमें पीछे बैकवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उस वीडियो को फिर से दोहराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन यदि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती थी तो मैं उस वीडियो को दो तीन बार देखता था और वो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाती थी. और स्पेशली फॉर केस स्टडीज, जिसमें बहुत से स्टूडेंट को डर लगता है कि इसको कैसा किया जाए, हमें जम ही नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, तो मैंने सेम डर मुझे भी था, लेकिन मैंने दो तीन बार हर केस स्टडी को रिवाइज किया और इजीली आई हैव क्लियर दैट कॉन्सेप्ट. और मैं खुशी से कहना चाहूँगा कि उनकी जो केस स्टडी थी वैसी की वैसी केस स्टडी ABM में मुझे इकोनॉमिक्स की केस स्टडी आई थी. मतलब उसका जो डाटा और बैकग्राउंड सब अलग था, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही थी और उसका जो आंसर निकल के आता था तो सर ने जो पढ़ाया था उसी के साथ आता था. जे और फॉरेक्स मार्केट, मैंने MBA किया है लेकिन फॉरेक्स मार्केट का मैंने इतना डीप पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन CIB के रेफरेंस में वो फॉरेक्स मार्केट आया सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा, लेकिन वो ग्रास नहीं हो रहा था. CIB सर का चैनल मैंने देखा एक दो बार, सब वीडियो मैंने देखे और मुझे वो क्लियर हो गया. डेरिवेटिव, स्पॉट, फॉरवर्ड, इजीली उनका ट्रांजेक्शन, उनकी वैल्यू, मतलब रियली वेरी थैंक्स फॉर द चैनल एंड फॉर द CIB एग्ज़ाम. मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, जॉब भी करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करना है, तो क्या किया जाए. तो मैंने सारे वीडियो सर जी के अपने यूट्यूब चैनल में डाउनलोड कर लिए. हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी मुझे जॉब के लिए, डेढ़ घंटा तो मुझे घर से ऑफिस में जाने को लगता था, तो मैंने जाने के लिए डेढ़ घंटा, आने के लिए डेढ़ घंटा, मतलब तीन घंटे में मैं एक कॉल लगा लिया, आते घर उसको घर पे ही मैं निकालता था. लेकिन वो इस तीन घंटे में मेरे सब रिवाइज हो जाता था जो जो मैं देखता था, और घर पे आने के बाद उनकी नोट्स और अलग अलग क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था और इजीली मुझे वो धीरे धीरे समझ में आने लगा. इसलिए मैं ऐसा बोलते हैं कि 100 बुक पढ़ने के सिवा 100 बुक पढ़ा हुआ यदि इंसान हमें पढ़ाता है तो वो ऑलवेज बेटर होता है. सो मैं सर जी को सच में थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया है और उनका जो पावर ऑफ टीचिंग है रियली वेरी नाइस फॉर द CIB एग्ज़ाम. और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपना जो टीचिंग का दायरा है JIB और अदर कोर्सेस ऑफ IBF के लिए भी यदि करते हैं तो हमें और खुशी होगी और हम और उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी. और मैं सबको ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा जिनकी जिनकी भी CIB एग्ज़ाम है. आप पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, लेकिन सर जी के जो वीडियोज़ है उसको भी एक दो बार रिवाइज कीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी और जो थियोरेटिकल पार्ट है आपका और रीडिंग से भी कवर हो जाएगा और आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. So, thanks you sir for this channel and your teaching. Thank you.